हेलो एवरीबॉडी, आई होप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा कि किन लोगों को पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई नहीं करना चाहिए, हु शुड नॉट अप्लाई पोलैंड वर्क परमिट। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। इसमें सबसे पहले आता है जी आपका फाइनेंशियल स्टेटस। ऑफ कोर्स जो लोग पोलैंड जाके काम करना चाहते हैं वो लोग जाहिर है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, रिच नहीं है, तो ही वो जाना चाहते हैं टू चेंज देयर स्टेटस। तो लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और जिनके पास बिल्कुल जो है अप्लाई करने के लिए भी कोई जो हम पैसा नहीं है, वो लोग कुछ बेच के या अपनी को प्रॉपर्टी बेच के या कोई अपना सामान बेच के अगर ये करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट डू दिस। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि अगर इनिशियल पेमेंट जो वर्क परमिट की वीज़ा से पहले अगर आप वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि देर इज़ अ चांस कि आपका वीज़ा लगे या ना लगे, तो वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अगर आपके पास फ्रीली वो अमाउंट है कि अगर वो ज़ाया भी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा ये होने के बाद, तो देन यू कैन डू इट, देन आई विल सजेस्ट कि आप ये काम करें। अगर आपकी ज़िंदगी जो है वो ये पैसे ज़ाया होने से बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। मैं कह कह के थक गया हूँ लोगों को, और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ इनकी। ही इज़ फ्रॉम इंडिया, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, मैं इनको बार बार ये कहता था कि आप ये काम मत करें, ये चांस है, यू विल यू कैन यू आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, आप ये काम मत करिए प्लीज़। मगर वो डिफरेंट, मेरे ब्लॉक करने के बावजूद वो डिफरेंट नंबर से मुझे कॉल करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की जहाँ पे उनकी वाइफ जो बैठ के मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, मगर वो उन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं उनकी उनके लिए ही ये मतलब उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वॉच दिस वीडियो, देखिए आपका क्या ख्याल है। मेरा तो जो ज़मीर है वो गवारा नहीं करता कि ऐसे लोगों से मैं कुछ लूं, और या प्रोसेस का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दे विल लूज़ देयर मनी। तो देखते हैं जी। सर नमस्ते, जो भी कुछ है उसके लिए माफ़ कर दो सर, हमारे मुंह देख के मेरे पति को काम दिला दीजिए सर, प्लीज़ सर, हम बहुत गरीब है सर, आपको हर बोल रही हूँ, हमारा मदद कर दीजिए सर। हमारे पास घर भी नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत दुख से हम काट रहे हैं ज़िंदगी। मेरे बेटे को देखिए सर, कोई भी नहीं है हमारे पास, 1 साल से हम केरला में है, काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लीज सर हमारे काम कर दीजिए। नमस्ते सर। तो आपने देखा इन इनकी जो सिचुएशन है कि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ से पैसे कैसे लोन लेके या इकट्ठे करके ये लोग वर्क परमिट लेना चाहते थे। बट एटलीस्ट आई विल नॉट डू दैट बिकॉज यही इनके हक में बेहतर है, अकॉर्डिंग टू मी इनको पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि दिस इज़ योर लास्ट मनी, ये आपके आखिरी पैसे हैं और यू वांट टू डू दिस, तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस, क्योंकि चांस है कि आपका वीज़ा लगे या ना लगे, नोबडी कैन गारंटी दैट। सेकंड जो बात है वो मैं करना चाहता हूँ लोगों से जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया फॉर वर्क परमिट। बट मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो आप किसी भी वर्क परमिट पे यू कैन कम टू पोलैंड, मगर जो आपके क्वालिफिकेशन के इक्वलेंट कोई जॉब है वो आपको तब तक नहीं मिलेगी। पहले पहली बात ये कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है पोलिश है या इंग्लिश बहुत कम यूज़ होती है, तो इंग्लिश के अलावा आपको पोलिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आपको जो आपकी डिग्रीज हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उनको सबमिट करके तकरीबन 3 से 4 5 महीने भी लग सकते हैं आफ्टर दे विल बी रिकॉग्नाइज बाय पोलैंड, तो उसके बाद ही आप लोग जो है यहाँ पे कोई जॉब अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, और जिसका चांस बहुत कम है इन माई ओपिनियन, लेकिन यू कैन ट्राई। सो यू कैन कम ऑन एनी लेबर वर्क परमिट टू पोलैंड जस्ट टू कम हेयर,
बट आपको 5-6 महीने एटलीस्ट देर विल बी नो जॉब अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन इन मेरे ख्याल में. सो कीप दैट इन माइंड. और अगर आपकी जॉब वहाँ अच्छी है जहाँ भी आप हैं एंड यू आर अर्निंग गुड मनी, तो प्लीज़ डू नॉट डिस्ट्रॉय योर करंट जॉब, डू नॉट डिस्ट्रॉय योर लाइफ. बिकॉज पोलैंड में आने के बाद या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के बाद फ़ौरन जो है आप लोग जो है वो सेम लेवल की जॉब या वो नहीं ढूंढ पाएंगे. अगर आपको मतलब लकीली वहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन कोई बड़ी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अगर आपको ऑफर करती है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. हम जो सिर्फ बात कर रहे हैं इस वक्त पोलैंड वर्क परमिट की, जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों के लिए है, हम सिर्फ उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं. इस पे आने के बाद यू कैन फाइंड एंड ट्राई टू फाइंड जॉब, बट नो देर इज़ नो गारंटी कि आपको कोई जॉब आपके लेवल की मिलेगी. सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, और अगर आप 6 to 1 year अगर आप विदाउट एनी जॉब के नहीं रह सकते तो डू नॉट डू दिस. इसके अलावा जो कम चांसेस हैं जिनको अप्लाई नहीं करना चाहिए पोलैंड का वर्क परमिट, वो लोग हैं जो ऑलरेडी 2-3 दफ़ा शेंजन का वीज़ा अप्लाई करके रिजेक्ट कर चुके हैं. तो उनके लिए मोर लाइकली जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. लोगों को मिले भी हैं आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम सेवरल कंट्रीज़, बट स्टिल चांसेस इसके कम हो जाते हैं. सो अगर आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हैं शेंजन जोन की एम्बेसी से, तो थोड़ा सोच समझ के ये करिए बिकॉज आपके चांस कम हो गए हैं. लास्ट में मैं कहूँगा जी, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर जो है उससे डीपली इफेक्ट होते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे मत आइए. बिकॉज यहाँ पे वेदर जो है वो बहुत कोल्ड हो जाता है, और सनलाइट जो है बहुत कम आवर्स के लिए अवेलेबल होती है. इन विंटर 3-4 बजे अंधेरा हो जाता है, और जो लाइफ जो है वो मतलब इसी तरह ही गुजरती है विदाउट सनलाइट. तो अगर आप किसकी जो हेल्थ है या आप किसी भी वजह से डीपली इफेक्ट होते हैं ठंडे वेदर से, कोल्ड वेदर से, तो भी आपको जो है यहाँ पे सोच समझ के आना चाहिए. बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड. ऑफ़ कोर्स इट्स नॉट लाइक अंटार्कटिका या कोई नॉर्थ पोल नहीं बन जाता. यहाँ पे एवरीथिंग इज़ हीटेड इनसाइड, और हर चीज़ जगह हर जगह हीटिंग सिस्टम है, बट स्टिल जो है बाहर तो निकल नहीं होता है. आप सारा टाइम तो अंदर नहीं बैठ सकते. तो इफ़ योर वर्क जो यहाँ पे काम है अगर वो इस तरह का होगा कि आपको बार बार बाहर रहना पड़ेगा, तो ये उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा जो कोल्ड वेदर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. सो कीप दैट इन माइंड ऑल्सो. मेरा ये वीडियो बनाने का हरगिज़ मकसद आपको डिस्करेज करना या आपका हौसला तोड़ना नहीं है. इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप रियलिटी को देख सकें, आपको ग्राउंड रियलिटी में दिखा सकूं और बता सकूं, ताकि आप रिस्क जो लें वो कैलकुलेटेड रिस्क हो. जो बिल्कुल आंखें बंद करके आप रिस्क ना लें और कैलकुलेशन करें अपनी सिचुएशन की कम्प्लीटली, और उसके बाद फैसला करें कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये अगर काम ना हुआ तो आपकी ज़िंदगी पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे. तो ये बातें सारी आप पहले अच्छी तरह कैलकुलेट करें एंड देन टेक योर डिसीजन. तो ज़िंदगी तो जी नाम ही रिस्क का है. रिस्क लेना पड़ता है आपको, चांस लेना पड़ता है. कामयाब वही होता है जो रिस्क लेता है, जो चांस लेता है. अगर हम बैठ के सोचते ही रहेंगे और जहन में ही कैलकुलेशंस करते रहेंगे और जहन में ही हम जो है फेल हो जाएंगे, तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे. बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर किसी की इससे मदद होती है, हेल्प होती है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी.